لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سعید فاطمہ بنت حسن میاں مرحوم کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بقا قربانی حضرت سید الشہداء کی بنیاد پر ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ کربلا کے بیابان میں دفن ہو کے رہ جاتا اگر جناب زینب اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، اور آپ ان کی اگر حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے، آج حکمت پر ہی بات ہوگی، ان کی حکمت عملی اگر ملاحظہ فرمائیے. اب ایک صاحب بیچارے آ رہے ہیں مسجد صاحب الزمان سے، ان کا صلوات پڑھیے، اندر آ جائیں پھر شروع کر دیں. مومن آدمی ہے، مومن کا احترام جو ہے نیتاؤں سے زیادہ ہونا چاہیے. جی صلوات بر محمد. تو یزید نے کہا کہ ہم نے آزاد کر دیا ہے، چاہے یہاں رہی ہے چاہے مدینے چلے جائیں. ٹھیک، حضرت نے فرمایا کہ میں پھوپھی سے بات کر لوں پھر بتاتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جواب کیا تھا اور بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جس وقت یہ قافلہ کارواں کربلا سے چلا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نعش مبارک اوریاں پڑی ہوئی تھی، بے گور و کفن، زخموں کا جسم کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیفیت کیا تھی. ایک اشارہ کر دیتا ہوں، میں بتا نہیں پاؤں گا، آپ خود غور کیجئے جا کے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ ہے نا بیٹا. روایت کہتی جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. ٹھیک، حضرت گھوڑے سے گر پڑے، سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا. اب تو ختم ہوئی بات نا، اب تو بات ختم ہو گئی، اب کیا مطلب تم سے. لیکن وہاں بھی ان لوگوں کو صبر نہیں آیا، اور عمر سعد نے پکارا جو لوگ
इमाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहते हैं, वो अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे आए। पता नहीं मोहसिन साहब आपने देखा कि नहीं, आशूर को कौन देख पाएगा टेलीविज़न, आशूर के या शबे आशूर में शायद नशर हुई हो, उसमें हमने बाकायदा हवाले के साथ विन पर नकल किया था कि 10 लोग बाई नेम किताबों में आए, 10 लोग अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे आए, और रावी कहता है कि मैंने बाद वाक़े करबला इन 10ों के बारे में जो तहकीक की तो पता ये चला कि ये 10 के 10ों हरामजादे थे। 10 लोग इमाम के जिस्म मुबारक पर सलामुल्लाह अलैह घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अब आप बताइए कि हजरत, मैंने कहा मैं नहीं अर्ज कर पाऊंगा, आप अपनी अकल से सोचिए कि इसके बाद हजरत के जिस्म मुबारक की कैफियत क्या होनी चाहिए। सलवात और रहमत और कहीं तीर कहीं तलवार। अच्छा एक बात बताइए, हाँ पहले इस पर बात हो जाए, क्या आपको यकीन है इस बात पर कि ऐसा हुआ होगा? सलवात बर महम, समझ में आती है बात? ऐसा मुमकिन है? वो सब किताबों में तो लिखा है लेकिन अक्ल कबूल नहीं करती। सलवात बर महम्मद, दो मिनट इसमें क्यों अक्ल कबूल नहीं करती? बाद दफन इमाम हुसैन हजरत के मज़ार को, हजरत की कब्र को मिटाने की कोशिश की गई नहीं की गई? हल चलवाया गया नहीं चलवाया गया? पानी छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया? लेकिन बैल वो अतराफ में तो चलते रहे लेकिन कब्र पर चढ़ने की हिम्मत ये है नहीं किताबों में, बैलों की नहीं हुई। आप बताइए जानवरों में अक्लमंद जानवर कौन कहा जाता है और बेवकूफ़ कौन कहा जाता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को बेवकूफ़ कहना हो, अबे बैल हो क्या बिल्कुल, तो जानवरों में बैल अहमक समझा जाता है और घोड़ा फरास, फरासत से बना है ना, समझदार अक्लमंद। तो जिसको बेवकूफ कहते हैं वो बैल तो कब्र पर उसने कदम नहीं रखा, फरास जो फरासत से बना है वो जिस्म इमाम पर चढ़ गया। ये अक्ल में आती है बात? सलवात दर मोहम्मद नहीं आती, मगर किताबों में है, रिवायात में है, तारीख में है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। क्या करें? एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मरहूम है सैयद मुस्तफ़ा, खतीब अपने ज़माने के थे, तो एक एक दो दो मजलिसें डेली, तो मालूम हुआ साहब मगरिब के बाद इस गांव में है, 8 बजे जो है 4-5 किलोमीटर दूर कहीं गांव में है, उनके पास एक गधा था, यानी पुरानी बात है, गधा था जिससे वो अप डाउन करते थे। तो वो कहते हैं एक दिन मजलिस ख़त्म हुई, कुछ मौसम ख़राब था, बर्फ़ वगैरह गिरने के इम्कान थे, मोमिनीन ने कहा हुजूर पहुँचा, ने कहा नहीं मैं गधा है हमारा चले जाएंगे सवारी से। कल लगे जब आबादी से दूर हो गया, चटियल बयाबान, बर्फ़ तेज़ हो गई, मैंने ये रदा सर पे डाल ली, तब तक मुझको ऐसा महसूस हुआ, मोहसिन साहब गौर कीजिएगा, महसूस हुआ जैसे मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है, सैयद मुस्तफ़ा, सैयद मुस्तफ़ा। अच्छा कितना भी बहादुर आदमी हो, ऐसे मौके पर दहशत तो होगी ना, तो कहने लगे साहब हिम्मत तो नहीं पड़ी मुड़ने की, मगर मैंने उसी तरफ गधे पर बैठे बैठे कहा जी फरमाइए। का उस आवाज़ ने पूछा कि क्या सही है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए? तो मैंने कहा हाँ किताबों में लिखा, मैं मसाइल में पढ़ता हूँ। कहा क्या सही है कि इमाम के कब्र पर हल चलाने की कोशिश की गई मगर बैलों ने कब्र पर कदम नहीं रखा? कहा ये भी सही है। कहा तो बेवकूफ जानवर जो कहा जाता है वो तो कब्र पे ना जाए, अकलमंद घोड़ा जो कहा जाता है वो जिस्म पर सवार हो जाए। सैयद मुस्तफ़ा कहते हैं मैं तो हिल गया बिल्कुल, कि ये बात तो अभी तक दिमाग में आई नहीं थी और बात अकलमंद सामने की है, सही है, मैं हिल गया, क्या जवाब दूँ?
सैयद फरमाते हैं कि अचानक मुझको ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कल्ब में कोई नूर दाखिल हुआ, रोशनी सी हुई, और मैंने बड़े इत्मीनान से कहा जी हां दोनों रिवायतें दुरुस्त हैं, दोनों रिवायतें सही हैं। कहा कैसे, मतवज्जे है ना, ये कैसे मुमकिन है? कहा इसलिए कि घोड़ों को जिस्म पर दौड़ने की हुसैन ने इजाजत दी थी। क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। कहा कह इसलिए रहे कि हुसैन करबला में आए थे इम्तिहान देने के लिए, राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, माल दौलत जायदाद औलाद सब कुर्बान कर चुके थे, एक जिस्म बचा था। हुसैन ने सोचा ये भी क्यों सालिम रहे, लिहाजा ये भी राह खुदा में खत्म हो जाए। वहां हुसैन का मैटर था, हुसैन ने इजाजत दी। शहादत हुसैन के बाद जब दफन हो गए तो हुसैन को याद को बाकी रखना ये हुसैन का काम नहीं है, खुदा ने अपने इख्तियार में रखा। सलावत दर मोहम्मद, अल्लाह ने हुसैन ने चाहा राह खुदा में जिस्म भी खत्म हो जाए, अल्लाह ने चाहा कि अब हुसैन की याद मिटना नहीं चाहिए। खूब, तो ये तो बात एक याद आ गई कि ये आपके जहन में बात आ जाए, कभी ख्याल आ जाए तो ये जवाब अल्हम्दुलिल्लाह उस बुजुर्गवार के जरिए हम तक पहुंचा है। मसला ये है कि अब इस जिस्म को जो कैफियत है ये बयान करने वाली नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नैजा, कहीं पत्थर, और फिर दस दस घोड़ों का रौंदना हम बयान कर सकते हैं कि मौला के जिस्म मुबारक की कैफियत क्या थी। और इस जिस्म को हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दिखलाते हुए ये सब ले गए हैं, ये भी पढ़ा होगा आपने ना। इस जिस्म को देखने के बाद ज़ैनब जैसी बहन को गश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बेहोश होना चाहिए, हार्ट फेल होना चाहिए, सकता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मगर आज तक सुना आपने किसी जाकिर से, आज तक पढ़ा आपने किसी किताब में कि ज़ैनब बेहोश हो गई और हालत ख़राब हो गई और बिल्कुल अब ये जो है वो रूह निकली कि तक, कहीं सुना आज तक आपने? आँख से आंसू तक नहीं आया है, आशूर तक रहा है मामला, इमाम हुसैन की हयात तक। उसके बाद हत्ता ये मंजर भी देख के हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आँख से बेहोश होना दूर की बात है। और कहते हैं बड़े तुज़ुक़ो एहतिशाम से आई हैं, नाश मुबारक को हाथ लगाया है, आसमान का रुख किया है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कलील कुर्बान, खुदा हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। सवाल होगा कि नहीं होगा, बीबी आपको गश नहीं आ रहा है, आप बेहोश नहीं हो रही हैं, बंद कर लिया है ना, हाँ इसलिए मसाइब में बजना ठीक नहीं है। सलावत दर मोहम्मद है ना। तो अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से सवाल होगा, बीबी आज आपको इमाम से उतनी मोहब्बत नहीं रह गई क्या? क्या मतलब ना आप रो रही हैं ना गिरी, जबकि आम हालात में आपको बेहोश होना चाहिए, गश आना चाहिए, क्या जवाब होगा? सीधा सीधा है, तुम बताओ अगर मुझको गश आ जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना, फिर इन यतीमों को कौन देखेगा, रुबाब को कौन सहारा देगा, लैला को कौन? तो गम कहता है मर जाओ, मुसीबत कहती है हार्ट फेल हो जाए, जिम्मेदारी कहती है आंख से आंसू न निकलने पाए। शायद अब आप की समझ में वो बात आए, क्या मुमकिन है कि दुनिया में क्यों ही किसी को न पहचाने, साल भर के अंदर ज्यादा से ज्यादा
यह मुमकिन है कि शौहर अपनी बीवी को ना पहचाने? उसकी वजह शायद यही है, जब्त करते 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 वो कैफियत आ गई है कि अब अब्दुल्लाह भी हजरत जैनब को नहीं पहचान रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गम में जो है वो कहीं से कमी नहीं है, वो जिम्मेदारी है जो इजहार से रोके हुए है। अब जब आजादी मिल गई, सलावत दर मोहम्मद, मैं आपको जहां ला रहा हूं, अब जब आजादी मिल गई तो जैनब जैसी शख्सियत को जवाब में पहला फकरा क्या कहना चाहिए था आपको पता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत का सवाब क्या है? सलावत बर मोहम्मद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर खुदा ने किसी को नवाजा हो, वो इमाम की जियारत को जा सकता हो और ना जाए, सुस्ती की बुनियाद पर कल जाएंगे अगले साल जाएंगे अगले साल, सुस्ती ना जाए, इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि उसकी उम्र 30 साल खुदा ने कम कर दी है तो मैंने गलत नहीं कहा है। रिवायत कहती है जिसने हुसैन की जियारत की, कमनजार अल्लाह फी अर्शे, वो या उसने अल्लाह की जियारत की है अर्श पे जाके। और सुना दें, जियारत को जाएंगे आप इमाम हुसैन की, एहसान मान रहे हैं रसूलुल्लाह, वो सुनिए आप सलवात बरमा, वो सुनिए रिवायत कहती है कि अरफे के दिन, अरफा किस दिन है? नौज़ुल हज। अल्लाह करबला में अब हुसैन के जायरों पर निगाह रहमत पहले डालता है, मैदान अरफात में अपने हाजियों पर नजर करम उसके बाद करता है। रावी ने पूछा, मौला ऐसा क्यों है? इमाम ने फरमाया कि हज पर मैदान अरफात में हर किस्म के लोग जाते हैं, हुसैन की जियारत को सिर्फ हलालजादे जाते हैं। यह है कामिल ज़ियारत में, रिवायत मौजूद है, मेरे जेब में है। हो गई बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, पूछा तो नाना के लिए थे, नाना ने सब बता दिया। नाना ये बताइए कि मा जजा ओ मन जारक, उसका क्या सवाब है जो आपकी जियारत को जाए? पैगंबर ने पूरा सिलसिला बता दिया। फरमाते हैं, बेटा मंजारनी फी हयाती आउ बाद ममाती, जिसने भी मेरी जियारत की, चाहे जिंदगी में मेरे चाहे मरने के बाद, आउ जारा अबाक, या उसने तुम्हारे बाप की जियारत की, यानी आउ जारा अखाक, या तुम्हारे भाई की जियारत की, आउ जारक, या जो भी तुम्हारी जियारत को गया। अब जानते हैं पैगंबर का जुमला क्या है, आप जाएं इमाम हुसैन की जियारत को, बदला कौन देगा इस जियारत का? रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं बदला क्या है सुनेंगे आप। फरमाते हैं औजारक, चाहे तुम्हारी जियारत को जाए, चाहे तुम्हारे भाई की, चाहे तुम्हारे बाप की, चाहे मेरी, काना हक्कन अलैया अन अजूरहु यौमल क़ियामा, मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं क़ियामत में उसकी जियारत को जाऊँ। अब आप समझ गए, बात सिर्फ जियारत की नहीं है, كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه, और मुझ पर फर्ज है कि मैं इस जायर को उसके गुनाह से छुटकारा दिलाऊं। वो इसी किताब में है ये रिवायत। अब आपसे एक सवाल है, जियारत का इतना सवाब
दो मिनट में अर्ज कर दिया मैंने, इसका हक सबसे ज्यादा किसको है? आपको, हमको या सगी बहन को? है? आपको, हमको या रुबाब को, जिसको मौला इतना चाहते थे कि फरमाया मुझको वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। पूरा पूरा कलाम है मौला का, अशआर है पूरे, उसका एक मिसरे का मफहूम नकल किया मैंने। हमको आपको ज़ियारत का हक ज्यादा है या इमाम सज्जाद को? इतनी समझ में आ गई ना बात? तो अब अकल क्या कहती है कि जैसे ही आज़ादी की खबर मिली ज़ैनब अलैहिस्सलाम को क्या कहना चाहिए था? और क्या कहा तो आपको पता है, कहना क्या चाहिए था? मेरी समझ में ये आता है कि बीबी को फरमाना चाहिए था आज़ादी मिल गई बेटा, जल्दी करो, भैया की लाश बे कफन छोड़ के आई थी, मैं करबला जाऊंगी, अपने भाई की कब्र पर जा, कहना चाहिए था? नहीं कहे। एक बार भी आपने जिंदगी में किसी जाकिर से सुना या किसी किताब में पढ़ा कि एक बार भी हजरत ज़ैनब ने यह फकरा कहा हो, जल्दी करो हम करबला चलेंगे भाई की जियारत को? सुना नहीं ना? क्या फरमाया? जब से मेरा भाई मारा गया है, यह हिकमत मुलाहिज़ा फरमाइए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह, जब से मेरा भाई मारा गया है मैं मातम नहीं कर सकी हूं, यजीद से कह दो एक मकान खाली करा दे ताकि मैं अपने भाई का मातम कर सकूं। है ना? लेकिन ये जवाब समझ में आता है आपके? इतने दिन से कैद खाने में कैद हैं आप लोग, उस पर अगर एक हफ्ता और बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? करबला जाइएगा, दो काम एक साथ हो सकता? नहीं हो सकता। मजलिस भी होगी, जियारत भी होगी। तो ये काहे की जिद है कि नहीं यहां करेंगे मजलिस? सलावत दर मोहम्मद बात किया भाई, जैसे इतने दिन बर्दाश्त कर लिया आपने, एक हफ्ता और बर्दाश्त नहीं हो सकता, दस दिन और बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह कि यह फकत जाहिरन मजलिस नहीं है, इसमें आलम या गैर मुअल्लमा हजरत ज़ैनब की कोई हिकमत है। हिकमत क्या है? बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए, कोशिश करता हूं। सर आप बताइए, जितनी हमने मजलिसें पढ़ी न होंगी उससे ज्यादा आप लोग बुजुर्गों ने सुन रखी होंगी, हमसे बड़े बड़े लोगों के, तो ज़हन में सारी, और ये वाकई मजलिसों की अता है कि आदमी मुतालिया किए बगैर भी आम लोगों से ज्यादा जानता है, ये मजलिसों का करम है। गदीर में कितने लोग थे सर? सवा लाख, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,24,000, ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इतने बड़े मजमे में धूप में चाहे जितनी रात का जगह हो आदमी, लेकिन ऐसे माहौल में आंख नहीं लग सकती। मेंबर पर हाथों पे उठा के अपने को छुपा के अलल एलान 1,25,000 के मजमे में फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, मैं जिस जिस का मौला हूं उसके उसके बोलिए अली मौला है। ये 1,25,000 के मजमे में कही जाने वाली बात, इंसाफ से बताइए भुलाई गई कि नहीं भुलाई गई? कब? आज कमा छोड़िए, आज की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका मामला है उसके सामने। ये नहीं कि मौला की शहादत के बाद इनकार हुआ, मौला मिंबर पर है, सामने आदमी बैठा है, कूफे की बात है, यानी 30 साल के अंदर अंदर का केस है, है ना? विद इन 30 ईयर इमाम ने पूछा
तुम थे करबला में, है ना, क्या नाम था उसका, तुम थे करबला में। वो एक मौली साहब कुछ तोतले थे, पढ़ाते थे, तो उनसे जो है काफ की जगह टाफ निकलता था, तो लड़के से कहें कि वैलुल्ले टुल्ले, तो लड़का भी कहे वैलुल्ले टुल्ले, तो वो बेचारे नहीं बेटा वैलुल्ले टुल्ले, फिर कहे मैं कहूँ वैलुल्ले टुल्ले, तुम कहो वैलुल्ले टुल्ले। और सुना दें आपको, हमारे यहाँ जो काफ है ना, जो खालिस ईरानी है वो गाफ बोलता है, समझे आप, क्यों इल्मुल भाई, और जो गैन है ना वो काफ हो जाता है, गदीर को कदीर हो जाएगा थोड़ा हल्का मोटा। तो हमारे एक उस्ताद थे, उनसे हमने पूछा कि हुजूर ये बताइए गैन और काफ में क्या फर्क है, अजीब आदमी, अरे कैन यानी कैन, गाफ यानी गाफ। तो मसला वही है, हम कहें करबला, तुम सुनो गदीर, सलावत पर मोहम्मद, तो तुम थे गदीर में, मौला के मुंह पर उसने कह दिया हाफिजा काम नहीं कर रहा है। आप बताइए जो बात 1,25,000 के मजमे में कही गई, आज कोई कहे नहीं समझ में आता, नहीं मानते, रिवायत ज़ईफ है, फला है ढका, तो चलो भाई उसकी एक बात, हमें तुम थे, इसलिए कि मौला के पूछने का मतलब तुम थे यानी था वो, अली को पता ये था, तब ने उससे पूछा, और अली के मुंह पे कह रहे नहीं सब याद नहीं आ रहा है। बात याद ना आए, जिंदगी का पहला हज भूल सकता है आदमी, सलावत पर मोहम्मद, खैर वो इमाम ने उसको बद्दुआ दी, क्या हुआ क्या हुआ उससे हमसे बहस नहीं है। ये एक केस हुआ। दो, आपका नाम क्या भाई? अली साहब, आप बता सकते हैं जनाब फातिमा का घर कहाँ था? मदीने में तो था, कहीं अंदर गली में, कूचे में, इंटीरियर में, हाँ दुबग्गा के आगे, कहा नहीं साहब हजरतगंज में था, अमीनाबाद मरकज शहर, समझे, हॉट ऑफ सिटी, मरकज वही है, आज भी मरकज है ना, बीच शहर में फातिमा का मकान जला दिया गया, बेटा शहीद हो गया, आज पब्लिक मानने को तैयार है आम? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए जो वाकया बीच शहर में हुआ उसको पब्लिक ने भुला दिया, जो वाकया 1,25,000 के मजमे के बीच का है उसको आदमी अली के मुंह पे कह रहा है याद नहीं आ रहा है, तो करबला तो वाकई जंगल की बात है, करबला तो वाकई बयाबान की बात है, और जिन्होंने ये हरकतें की हैं वो कब चाहेंगे कि ये बाकी रहे? गौर फरमा रहे हैं आप? तो आज गदीर क्यों भुलाई गई? अगर हर साल वही मदीने में सहाबा महफिल करना शुरू कर चुके होते तो यह हश्र गदीर का ना होता, सलावत पर मोहम्मद, अगर ये करते तो यह हश्र ना होता। गदीर से बुरा हश्र होता 10 साल 20 साल। अच्छा और बता दें आपको, कम कोशिश नहीं की गई है मिटाने की, सलावत पर मोहम्मद, बड़ी मुश्किल है ना कोई बात कहिए तो वे यार कहाँ से पढ़ी, नई बात है ये, अरे बाबा नई बात तो है, तुमने कई किताब पढ़ी ये बताओ। मुश्किल ये है कि एतराज करने वाला अपनी जो है नॉलेज को बढ़ाने कोशिश नहीं करता, जो बेचारा मेहनत करके आता उस पर एतराज हो जाता है, सलावत पर मोहम्मद, बड़ी मुश्किल ये है। कुरान के कितने पारे हैं सर? 30 या 40? 30। यजीद ने क्या कहिए, यजीद के आर्डर से कुरान के हुए 60 जुज और आधा कर दिया गया, जगह जगह कुरान रख दिए गए, आप लोग कुरान पढ़िए और हुसैन की रूह को ईसाल कीजिए,
ये यजीद के हुक्म से हुआ है। जगह जगह साहब पानी रख दिया गया, पानी पीजिए, हुसैन के कातिल पर लानत भेजिए। सियासत क्या चीज है, आप समझे इसके पीछे राज क्या है? ये इमाम हुसैन से कोई हमदर्दी हो गई है? यजीद को बड़ा अफसोस हो गया? नहीं, हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे इब्ने ज़ियाद की गर्दन में डाल के यजीद को बचाया जा सके, जो आज भी किया जा रहा है। सलावा दरमा, जो आज भी किया जा रहा है। और ये वही बातें हैं जिसको किताबों में पढ़ पढ़ के लोग हालात को, सियासत को समझ नहीं पाते और कहते साहब यजीद ने ये किया, यजीद ने ये किया, यजीद ने किया है इब्ने ज़ियाद को फंसाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो आप बताइए, निकलने की इतनी कोशिश की गई नहीं की गई? है ना? अब बताइए, 10 साल। अच्छा, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि चूंकि पैदा होते ही बचपने से हम आप सुनते आ रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, वरना अभी अचानक कोई आए कि साहब मैं गया था पटना खुदा बख्श लाइब्रेरी में, कोई 600-700 पुरानी, साल पुरानी एक किताब दिख गई, वहाँ हमने देखा उस किताब में कि भाई लिखा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर शहादत के बाद घोड़े दौड़ाए गए। अगर हमारी आपकी अक्ल में ना आती ये बात, ये कैसे हो सकता है यार, रसूलुल्लाह की औलाद इमाम हुसैन के जिस्म पर? अगर गदीर से बुरा हश्र हुआ होता करबला का अब तक। मेरे ख्याल में समझा ले गया ना बात आपको, जनाब फातिमा की मुसीबतों से बुरा हश्र हुआ होता वाकई करबला का अब तक भूल चुके होते एक नस्ल, दो नस्ल, चार नस्ल। ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आज़ादी मिली, ज़ैनब ने सोचा ज़ियारत बाद में करूँगी, भैया की कुर्बानी का बीमा पहले करूँगी। आज आदमी मजलिस करे न करे, उसको जाए समझे न समझे, बिदअत कहे, लेकिन गदीर का तो इनकार कर दिया गया, फातिमा की मुसीबत का इनकार कर दिया गया, लेकिन इन मजलिसों का फैज है कि कोई करबला का इनकार करने वाला फैज है। ये वो हिकमत अमली है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कि मैं ज़ियारत बाद में। अब समझ में आया? देखिए, अगर मैं डायरेक्ट ये जुमला कह देता कि मजलिस की अहमियत ज़ियारत से ज्यादा है तो आपकी समझ में ना आती, आप जाइए ज़ियारत पर। लेकिन ये जो अमानत है जनाब ज़ैनब की, ये मजलिस हमारी आपकी ईजाद नहीं है, आपने जितना भी इसको बढ़ाया अल्लाह आपको उसका अज्र दे, मगर आपके दिमाग की उपज नहीं है, आपकी ईजाद नहीं है, ये हजरत ज़ैनब की हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से आज भी वाकई करबला का इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हो गई बात ना? तो ये मजलिस क्या है? अमानत जनाब ज़ैनब की। एक दो इस मजलिस की अहमियत का अंदाज़ा कीजिए, सलावात बर मोहम्मद। एक तो ये हो गया कि यह मजलिस बकाए वाकए करबला की जमानत है। एक दो सलावात बर मोहम्मद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी का मकसद बयान किया है वो क्या है? पूरे रास्ते बिल्कुल ओपन करते रहे कि कोई धोखे में ना रहे। क्या नहीं देख रहे हो? लोगों को नेकियों का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बुराइयों से मना नहीं किया जा रहा है। मैं इसलिए निकला हूं, अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं लोगों को नेकियों का हुक्म दूं, बुराइयों से मना करूं। इन्नी खरजतु लितलब अलइस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं निकला हूं कि अपने नाना की उम्मत में इस्लाह कर सकूं। इन कान दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुज़ीनी, अगर दीन पैगंबर बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता है, तलवारों आओ और हुसैन के टुकड़े टुकड़े कर दो।
ये सब कुछ पूरा 28 रजब से लेकर के 10 मुहर्रम तक के सारे अकवाल पढ़िए इमाम हुसैन के। अब तो इकट्ठा भी हो गया, बाकायदा नाजुल बलागा की तरह से इमाम हुसैन के अकवाल को इकट्ठा कर दिया गया नाजुल खिताबा के नाम से, पढ़िए उसको। एक चीज का खुलासा होता है कि मैं निकला हूं नाना की उम्मत में सुधार पैदा करने के लिए। तय हो गई बात ना, क्या मकसद हुआ? अमर बिल मारूफ, बुराइयों से रोकना, इस्लाह उम्मत, इस्तकामत दीन, हिफाजत दीन, यही ना मकसद है। दो मुहर्रम को करबला पहुंचे, ठीक, 10 मुहर्रम को इमाम शहीद कर दिए गए। ये 8 दिन में कौन सी इस्लाह हो गई उम्मत की? 8 दिन में कौन सा दीन को इस्तकामत मिल गई? बल्कि सुनाऊंगा आपको सलवा दरमा, सुनिए आप। शहादत के बाद ये वाक करबला से काफिला चला कूफे, कूफे से शाम, मुसलमानों ही की तो बस्तियों से गुजरा, इनकार नहीं है, जगह जगह हुआ है, कुछ लोग निकले हैं, जज्बाती हुए हैं, मारे भी गए हैं, लड़े हैं इस फौज से, लेकिन जनरल पब्लिक के जो है वो कुछ एहसास हुआ। दयार बदयार उन्हीं के पैगंबर की डायरेक्ट नवासियां ना, एक फातिमा बीच में है, फिर आया गया और सब बेहिस पड़े हुए हैं। मौला आप तो कह रहे थे मैं आया हूं इस्लाह के लिए, ये कौन सी इस्लाह है? ये तो हम देख रहे हैं कि और मुसीबत आपके बच्चों के साथ है। और सुना दें आपको, गिरते गिरते देखिए करबला में इमाम हुसैन के साथ 72 आदमी थे ना, और सिर्फ 72 नहीं थे उस जमाने में, कितने जेल में थे नहीं निकल पाए, कितने बॉर्डर सील होने की वजह से नहीं निकल पाए, है ना। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि साहब सिर्फ 72 लोग थे, और थे जो बेचारे नहीं पहुंच पाए। लेकिन बजाय इस कुर्बानी के बाद समाज को तरक्की करने के, इतना गिरा है समाज, इतना गिरा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं अपने दौर के हालात को, ये कहाँ मिलेगा, मैं शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, शरह नहजुल बलागा इबन अबिल हदीद मुतज़िली, वो लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया, इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने, मा बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना, एक जमाना ऐसा आ गया कि मक्का और मदीना मिला के 20 लोग नहीं थे जो हमसे मोहब्बत करते होते। कौन सी इस्लाह हुई? सलवात बर मोहम्मद। अका आपका मकसद ये था, हम तो देख रहे हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या तुम वो वक्त ही देख रहे हो ना, ये आज जुमे का दिन, वर्किंग डे, आपके किसी अजीज की मजलिस है ना, आपकी माँ की जो है सास की, इसमें जितने हैं सब आपके रिश्तेदार नहीं हैं, सब आपके ससुराली रिश्तेदार नहीं है, कितने सिर्फ इस बिना पर आए हैं कि मजलिस है। और जब नहीं इमाम आवाज दे, तुम उस दौर को देख रहे हो, हमने कयामत तक की हिदायत का जिम्मा लिया है, हम तो चले जाएंगे लेकिन अब कयामत तक मजलिस हुसैन के नाम पर मिंबर हिदायत कयामत तक चलता रहेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस मिंबर का इस्तेमाल तुम हिदायत के लिए करते हो या इंजॉय के लिए करते हो, ये तुमसे कयामत में पूछा जाएगा। सलवा दरमाम, ये तुमसे कयामत में पूछा जाएगा। अच्छा अब एक चीज से लिए बात आ गई, यहीं से घूम जाते हैं। इमाम ने फरमाया 20 लोग, मा बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना, 20 आदमी से ज्यादा उस जमाने में। देखिए अहले बैत ने यही सिखाया है कि कभी भी अकेले हो तब भी अंजुमन हो सकते हो, हिकमत होना चाहिए, समझ होना चाहिए,
आज हम इतना बड़ा मजमा पाके संभाल नहीं पा रहे हैं, ढंग की बात उसको हम बता नहीं पा रहे हैं अपने चक्कर में। इमाम के पास कुल 20 आदमी थे, उनकी जिम्मेदारी है हिदायत का काम करना। पता है कैसे किया? क्या इमाम जो है वो मस्जिद में आकर के मेंबर बैठ सकते थे उस दौर में? जहां आप थे ना उस दिन रोजे की मस्जिद में, जहां खतीब मेंबर पे कहता है, हज्जाज की बात है, ये सब कहां गए मदीने रसूलुल्लाह की जियारत को, सड़ी गली हड्डियों की जियारत करने के लिए? अल्लाताफ व कसरा अमीर المؤمنین अब्दुल मलिक, ये सब अब्दुल मलिक के कसर का तवाफ क्यों नहीं करते? अला यालमून अन खलीफत المرء خير من رسوله, क्या इन सबों को पता नहीं है कि खलीफा रसूल से अफजल होता है? इतना पस्ती में जा चुका है समाज, गौर कर रहे हैं आप, इतना गिर चुका है समाज, 20 लोग नहीं है उस मजमे में मिंबर पर आकर के इमाम तकरीर कर सकते हैं? हुनर है, वाकई हुनर है। जानते हैं क्या किया हजरत अली अलैहिस्सलाम ने? क्या नाम है आपका? मसूद भाई, बता पाएंगे आपके हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कितने गुलाम बेचे हैं? हमने भी नहीं पढ़ा। खरीदने का सुना है, आजाद करने का सुना है, बेचने का नहीं सुना हमने, मैंने नहीं पढ़ा। और चूंकि नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। क्यों? का इसलिए कि ये लोग, रिवायत कहती है, अपने हाथ की मेहनत से, गाढ़ी कमाई से अमीरुल मोमिनीन ने 1000 गुलाम खरीद के आजाद किए हैं। ये सिस्टम खत्म करना चाहते थे गुलामी का, लिहाजा जिंदगी में अहले बैत ने गुलाम खरीदे हैं, आजाद किया है, बेचा नहीं है। ये सलावत, ये जहन में रहेगा। अब आइए, लेकिन उस जमाने का एक सिस्टम था कि गुलाम और कनीजें होती थी। मुश्किल क्या है ना, एक फिज्जा का किस्सा मशहूर हो गया तो हम समझते हैं कि खाली फिज्जा। इनके यहां एक सिस्टम ये था, इमाम ने जो तरकीब, ने 20 लोग हैं कुल, उसमें तो इस तरह खुल के मजलिस नहीं पढ़ सकते ना, तो क्या करते थे? इमाम हौजा चलाते थे अपने घर में। ये तो नई बात सुना हमने, कहा नई बात, हौजा कैसे चलता था मालूम है? गुलाम काम तो है ही है, गुलाम खरीद लाते थे, तो गुलाम को गुलाम नहीं समझते थे, गुलाम को एज ए स्टूडेंट रखते थे। दो चार साल पढ़ाया, मुश्तहिद बनाया, छोड़ दिया समाज में, जाओ। तो जो फरमा रहे आप, एक दो किस्सा सुन लीजिए, कह मुझे खत्म करना चाहिए, 11-20 में उतर जाऊं, ठीक है ना? नहीं भाई, जुमे में भी तो जाना है लोगों को, सलावत बर मोहम्मद। एक गुलाम था, कैद पड़ा था मदीने में, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। तब तक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। एक आदमी उसके अंदाजे दुआ पर पहले से उस पर नजर लगाया था, ये कौन है? अब जब बारिश भी होगी तो और मुतासर हुआ। वो गुलाम चला, वो उसके पीछे, यार ये है कहाँ का, किसके घर का आदमी है? वो देखा इमाम सज्जाद के घर में चला गया। अच्छा, तो यहाँ के हैं ये? अंदर आया, सलाम अलैकुम, सलाम, क्या है साहब? एक गुलाम खरीदना है आपसे, बेचेंगे? अभी सुन, हजरत ने कहा यार कौन सा चाहिए वो बताओ, बेचने उचने की बात हमसे मत करो, कब नाम तो नहीं है। ए, सारे गुलामों को इकट्ठा करो, सब आ गए। बोलो कौन? इसमें तो कोई नहीं है साहब। इमाम ने कहा कोई बचा है? हाँ, वो जो घोड़े की देख रेख करता था उसको बुलाओ। वो आया, अरे नहीं, यही 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 यही। भाई वीडियो थोड़ी बना किताब में, अपनी अक्ल से आदमी सोचता है कि क्या मंजर रहा होगा। यही साहब, यही यही। इमाम ने कहा कि सुनो, मैंने हिबा कर दिया इनको, आप इनके साथ अगर उस गुलाम की तरह रहा होता तो चलो, जैसे इनके यहाँ वैसे उनके यहाँ, जानते हैं? तड़प गया, कहता है भैया क्यों मुझको मेरे इमाम से जुदा कर रहे हो? दुनिया समझ रही है गुलाम है। कहने लगा, भैया हमने तुमको दुआ करते देखा है, हम गुलाम गुलाम की तरह थोड़ी ले जा रहे हैं तुमको, तुम्हारे ईमान की बुनियाद पर थोड़ा हमारे साथ रहोगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। तुमको कैसे पता का दुआ करते हुए देखा मैंने तुमको? हम आप होते तो क्या करते? बड़े मोमिन लोगों की बात। अच्छा,
हार देख रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, खैर हमने तो जाहिर नहीं होता, नहीं होता। हाँ हम तो नहीं चाहते थे जाहिर है, लेकिन मेरा मैं किस काबिल हूँ, खुदा की मर्जी, अंदर से खुश होते चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमाम के तरबियत याफ्ता ऐसे होते हैं, कहता खुदा अब तक ये राज मेरे और तेरे दरमियान था, अब जब राज फाश हो चुका है तो अपनी बारगाह में बुला ले। वो डर गया, अरे भैया 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 रहिए आप, यहीं रहिए। तीर निकल चुका, चला गया। शाम होते होते उसको बुखार आया, मर गया। इमाम ने कहलाया भैया तुम्हारे माशूक का इंतकाल हो गया, जनाजे में आना चाहो तो आ जाओ। इस तरह तरकीब निकाली है इमाम ने उस माहौल में दीन पहुंचाने की। आप सोचिए कल हमको पकड़ा नहीं जाएगा कि हमसे बुरे हालात थे तुम्हारे ज़माने के, कि जो तुमने मेंबर का सही इस्तेमाल नहीं किया। सलावात दर मोहम्मद वा लिहाजा। अब एक चीज़ जो मेरी समझ में आई है, मैं नहीं कहता कि मैं जो समझा हूँ 100% वही हकीकत है और वही करेक्ट है और वही सही है, बिल्कुल उसी को मैं ना हूँ। मेरी समझ में अहले बैत की सीरत पढ़ने के बाद एक चीज़ ये आई है कि आप गाली दे के किसी को अहले बैत से करीब नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ 100% यही करेक्ट है। आप गा, अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अहले बैत का मुखालिफ है या अहले बैत का हामी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ातन दुश्मन हो। आप पढ़ चुके कि पढ़ रहे हैं, क्या शोबा है आपका, काहे से कॉमर्स, तो कॉमर्स में तो जो है वो बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है, तो उसके लिए कंप्यूटर ज़रूरी है। काम करते हैं कंप्यूटर पर, कभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर में गलत फीड कर दिया आपने, हो जाता है ना, तो अब क्या करते हैं, अगर गलत फीड हो गया तो कंप्यूटर उठा के फेंक देंगे, टूट जाए या फॉर्मेट करेंगे। मैं जो समझाऊँ सीरत अहले बैत, आप कंप्यूटर को सड़क पर फेंक के नया लाएंगे या फॉर्मेट करवाएंगे, ठीक हो सकता है ना। अहले बैत ने यही समझाया है, हर वो आदमी जो तुमको लगे हमारा दुश्मन है, ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई दुश्मन है, हो सकता है रॉन्ग फीडिंग हो सकता है गलत डाटा फीड हो गया हो। अगर तुम वाकई हमारे शिया हो तो उसको तोड़ो मत, उसको फॉर्मेट करो, सही करो। सलावात दर मोहम्मद वा, अगर वाकई हम सुना दूँ आपको, दो तीन सुन लीजिए आप, अब ये तो ज़माना इमाम सज्जाद का ही है समझिए, एक तरह से दो तीन सुन लीजिए आप। एक दिन इमाम घर से निकले, फलाकियाहू रजुलुन फसब्बा, एक आदमी मिल गया और लगा गाली बकने। सब के मानी लानत के नहीं है, बुरा भला कहें, गाली सीधे सीधे ट्रांसलेशन होगा उसका। अभी तो मवाली नौकर चाकर बढ़े, गणेश सब साइड हट जाओ। उसके पास गए, फरमाते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं हमारी जो तुम लोगों को पता नहीं है, ये जो है वो अज्ञानता की बुनियाद पर है, लाइल्मी की बुनियाद पर है। अलग हाज है, कोई प्रॉब्लम है आपको बोलिए, मैं हल करता हूँ। उसके बाद ये खे मीम साथ, ये साथ खमीस बोला जाता था उस ज़माने में। इमाम ने अपनी खमीस उतारी, यानी ये अबा, और उस पर डाल दी। एक हज़ार इनको दे दो। आदमी बेचारा जब इक्तसादी परेशान होता है ना, तब भी वो बड़बड़ करता है। दे दिया, उसके दिमाग में नहीं था। जब चलने लगे ना, चिल्ला के कहता है अशहदु अन्नक मिन औलादिर रसूल, सलावात दर मोहम्मद वा, और सुना दे आपको। एक आदमी गालियां दिए जा रहा। इमाम है, सुनी नहीं रहे।
अच्छा, जब आप किसी को इतना नेगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए, तो झुचला जाएगा भाई। वो आपको गाली दे रहा, कहे कि तपाने के लिए दे रहा है, और नहीं तपे आप बहरे बन गए, तो वो खलेगा नहीं खलेगा उसको। इसी किताब में गालियां बक रहा है। आखिर में जब इमाम ने कोई तवज्जो नहीं की तो झुझला गया, कलैया कहानी है, आप ही को कह रहा हूं। इमाम ने कहा जी मैं आप ही को अवॉइड कर रहा हूं। ये अहले वैद की सीरत है, ये आले मोहम्मद हिशाम इब्ने इस्माइल सलवात बर मोहम्मद वसल्लम। हिशाम इब्ने इस्माइल नाम का गवर्नर था मदीने का किसी जमाने में, इमाम के जमाने में। जितना हो सकता था उसने इमाम को सताया। ज़ाहरन अब्दुल मलिक के जमाने की बात है, उसका खिलाफ। यह हिशाम इब्ने इस्माइल फंस गया एक घोटाले में, कुछ लेन देन का मामला था, वो उसमें घोटाले में फंस गया। वहां से शाम से हुक्म आया इसको बर्खास्त, दूसरा गवर्नर आ गया। सिर्फ बर्खास्त ही नहीं हुआ, अब वहां से पैगाम यह आया कि इसको खड़ा कर दो और पब्लिक में ऐलान कर दो, जिसके जिसके साथ इसने ज्यादती की हो उससे बदला ले ले। खुद हिशाम इब्ने इस्माइल कहता है कि मा अखाफ इल्ला अली इब्ने हुसैन, मुझको किसी का डर नहीं था सिवाय इमाम सज्जाद के। उसको पता है ना कि हमने कितना सताया है इनको। उसको खड़ा कर दिया गया था कहाँ, मरवान के घर के सामने, दरवाजे के सामने। वक़द वक़फ़ा अला बाबे दारे मरवान, मरवान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया था। अब जिसका जो तब तक क्या देखता है, वो खुद कह रहा है हिशाम इसमें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चले आ रहे हैं। ये जो चंद चाहने वाले थे उनको खबर मिली तो वो भी वहाँ पहुँच गए थे। अब किताब में नहीं है, ये यहाँ चंद लोग 4-6-10 लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। मेरी अकल कहती है शायद मीटिंग हो रही हो कि इसके कमबख्त को कैसे बदला लेना है, इसने बहुत सताया है हमारे मौला, यही सब हो रहा होगा, नहीं मालूम। तब तक हिशाम ने क्या देखा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम चले आ रहे हैं, हालत ख़राब। इसलिए कि गिनती के जो 4 आदमी हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं इनके आर्डर पर है। जब आग में कूद सकते हैं इमाम के कहने पर, तंदूर में कूद सकते हैं इमाम के कहने पर, तो कुछ भी हो सकता है। हालत ख़राब उसकी, लेकिन रिवायत कहती है इमाम ने हिशाम की तरफ तवज्जो ही नहीं की, सीधे आए उन चंद लोगों के पास जो उनके चाहने वाले थे। सुनिए, गले में का लफ्ज़ है, आप लोग एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे उसको कुछ, और अपने चाहने वालों को यह हुक्म दे के इमाम बग़ैर हिशाम की तरफ तवज्जो किए वो चले गए। जब जाने लगे तब तो जान में जान आई ना, जानते हिशाम चिल्ला पड़ा, आयत पढ़ी वहीं से, वल्लाहु आलमु हैथ यजअलु रिसालता, खुदा खूब जानता है अल्लाह अपनी रिसालत को किस खानदान में रखे। यह अहले बैत ने हमको दर्स दिया है, यह अहले बैत की सीरत है। अगर वाकई हम दीन के हमदर्द हैं ना, तो हमको गौर करना पड़ेगा। नहीं कहता कि हर जगह यह कारगर होगा, कहीं डंडा भी काम कर सकता है, कहीं दूसरा तरीका भी काम कर सकता है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम बैठ के ये तय करें कि कौन सी हिकमत दीन की तरक्की का सबब बन सकती है। सलावत पर मोहम्मद, जोश का नाम इस्लाम नहीं है, ताओ का नाम इस्लाम नहीं है, इताअत पैगंबर और इताअत अहले बैत का नाम इस्लाम है। काफिला शाम में दाखिल हुआ, देखिए ये तरीका कैसा बढ़िया जवाब देता है। काफिला शाम में दाखिल हुआ, लड़के की बात नहीं है, नौजवान की बात नहीं, बूढ़ा आदमी आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाके के पास, बर्दाश्त करते हम आप होते तो, खड़ा हुआ इमाम के नाके के पास, कहता अल्लाह की हम्द जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को फतह नुसरत अता की और तुम लोगों का झूठ जाहिर किया।
हम आप होते बर्दाश्त करते, मर जाते बर्दाश्त न करते। लेकिन हमारी हिदायत के लिए तुम बच जाओ, तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाए, तुम जन्नती हो जाओ, हमको क्या झेलना है हम झेलेंगे। ऐसे इमाम कायनात में किसी के पास नहीं है जैसे हमारे पास है। अब हमको सोचना है कि हम उन इमामों से कैसा दर्स लेते हैं। लेकिन बजाय इसके कि अच्छा, और एक आह करते वहीं वो गूंगा बन जाता ना बन जाता, जिंदगी भर के लिए कुछ नहीं। उसने जब इस तरह कहा, मेरी खुद हिम्मत नहीं दोबारा इसको रिपीट करूं, तो बजाय नाराज होने के इमाम ने विद फुल्ली रिस्पेक्ट, मजे की बात यह है किताबें हैं, आप पढ़िए मकातिल किताब, ना मिले तो बताइएगा, मैं ढूंढ के दूंगा आपको। विद फुल्ली रिस्पेक्ट उस बूढ़े से जो बदतमीजी कर रहा है, फरमाते अकरअत अल कुरान या शेख, शेख रिस्पेक्ट के लिए होता है, बुजुर्ग आपने कुरान पढ़ा है बुजुर्गवार। قال الشيخ نعم ها هل قرات هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قال الشيخ نعم ها پڑھا ہے فرمایا فنحن القربى يا شيخ وہ قربا ہم ہیں جس کی محبت کی بات قران کر رہا ہے اقرات هذه الايه واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى कि जब तुमको माल गनीमत मिले तो उसमें खुम्स है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और कुर्बा के लिए, हाँ तो वो कुर्बा हम है। अब वो उसकी आंखें निकलना शुरू हो गई होंगी। हल करा कहा रही आया वो आते दल कुर्बा हक का, कुर्बा को उनका हक दे दीजिए, फतक वाली आए। कहना शेख नाम हाँ सुना है। अब आखिरी आयत सुनिए इमाम, जुमला कहते खिताबत सीखना हो ना तो इमाम सज्जा से सीखे, वो बताएंगे कौन सी चीज कहाँ पढ़नी है। सलवात दरमाम धीरे धीरे तक आए। अब मेन आयत पढ़िए, हल करा तहादिल आया انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا। शेख नाम फरमाया भैया तो हम वही अहले बैत हैं जिसकी तहारत का ऐलान कुरान में हो रहा है। हम वो तो हक्का बक्का, अरे हमें हम इनको क्या समझ रहे थे, ये क्या कह रहे हैं। वो कंफ्यूज हो गया, जो सुना था अब तक वो सही या ये जो कह रहे हैं वो सही। कहता कसम खाओ तुम लोग वही हो। इससे जो मैंने शुरू में कहा ना, इस वाकये को दबाने कितनी कोशिश की गई है, इसमें वो भी समझ में आ जाएगी। फिर कसम खाओ तुम लोग वही हो, हम आप होते तो क्या कहते, चला मानना हो मानो नहीं मजा, कसम खाओ इनके लिए कसम खाएंगे। लेकिन अहले बैत सब बर्दाश्त, तुम सुधर जाओ जन्नती हो जाओ, हम सब करने को तैयार हैं। कसम खाओ तुम वही हो। इमाम ने फरमाया वल्लाह लनहनुहुम, खुदा की कसम हम वही है। अच्छा कुछ इमाम की जबान का असर भी, वो बिल्कुल बौखला गया, करीब आया, कहता हल्ली तौबा या इब्न रसूलिल्लाह, ए फरजंदे रसूल मेरे लिए भी तौबा का चांस आए, माफ हो सकता हूं। अब अंदाजा कर ले मैंने किसके साथ बदतमीजी की है। ये है रॉन्ग फीडिंग, उसको निकालो न के काली भग करके उसको दूर कर दो। हल्ली तौबा या इब्न रसूलिल्लाह, माफ हो जाऊंगा। हजरत ने कहा बिल्कुल, इन तुबत तौब अल्लाह अलैक, बिल्कुल तौबा कर अल्लाह कबूल करने वाला है। उसने तो तौबा कर लिया। अब तारीख का फिक्रा सुनेंगे सर। فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر فقتل। इस बूढ़े की तौबा की दास्तान यजीद तक पहुंची, यजीद ने कहा मार दो जिंदा ना रहे।
मार दिया गया। अब समझे आप, ये बूढ़ा अभी तो ठीक हुआ है ना, क्यों मारा जा रहा है? यही फैलने ना पाए। आज ये एक ठीक हुआ है, वहाँ चौराहे पर बैठेगा, वहाँ वजीरों की चाय की दुकान पर जाएगा, वहाँ फसी के पान के पास दुकान पर बैठेगा। अरे तुमको पता है ये अहले बैत रसूल है, तुमको पता है ये आले मोहम्मद है। ये बात फैलने ना पाए, वहीं मार दो। इस तरीके से इन सबों ने वाकई करबला को दबाने की कोशिश की है। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं इमाम सज्जाद पर, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हजरत ज़ैनब पर। ज़ियारत को पीछे रखा, अब असर देख लिया, बात खत्म। ज़ियारत को पीछे रखा, आगे किसको किया? मजलिस। और कितने दिन? एक हफ्ता कुल, सिर्फ फकात अशरा नहीं किया, 7 दिन। 7 दिन की मजलिस का असर मालूम है क्या हुआ? अभी मैंने सुनाया जब काफिला आया था तो बूढ़ा आदमी इस तरह बदतमीजी कर रहा है ना, लेकिन इस एक हफ्ते की मजलिस में पूरे शाम को पलट के रख दिया हजरत ज़ैनब ने इमाम सच्चा। किसी फारसी शायर का फिक्रा शेर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझको। शाम गर्क ऐशो इशरत बूद, दर वक्त वरूद, वक्त रफ्तन शाम रा, शाम गरीबान कर दो रफ। पलट दिया शाम को। यही शामी औरतें तमाशा देखने आई थी। एक हफ्ते की मजलिस और ये जो कैद खाने के दौरान का इनका अपना अखलाक, इतनी चेंजिंग आई है कि रिवायत कहती है जब काफिला चलने लगा ना तो फिर औरतें निकली घर से, लेकिन तमाशा देखने नहीं, रुखसत करने के लिए। और जनाब इश्तहारदी ने लिखा कि एक औरत ऐसी नहीं थी मदीने में कि जिसके जिस्म पर स्याह लिबास न रहा। बस आगे आगे काफिला जा रहा है, पीछे पीछे शाम की औरतें। एक मंजिल वाई काफिला आगे बढ़ जाए, ये शामी औरतें वापस हो जाएं कि जनाबे ज़ैनब ने अपनी सवारी रोकी, महमिल का पर्दा हटाया, एक निगाह शाम की औरतों पर डाली। माशाल्लाह मजलिसें सुनते रहते हैं, समझ गए ना आप कि अब जनाबे ज़ैनब क्या कहने जा रही हैं। इस पूरे काफिले में एक बीबी थी जो सबसे ज़्यादा वतन को याद करती थी। सब जा रहे हैं, वही यतीमा नहीं जा रही है ना। महमिल का पर्दा हटाया, एक निगाह डाली, ए शाम की बीबियों, ए शामियों, हम जा रहे हैं। एक जमाने तक तुम्हारे दरमियान रहे, अब जा रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस एक ख्वाहिश है। क्या? जब हम आए थे हमारे साथ एक 4 साल की बच्ची थी जिसे बुलबुले हुसैन कहते थे। अब हम जा रहे हैं, यतीमा को तुम्हारे दरमियान छोड़े जाते हैं, बस तुमसे इतनी दरख्वास्त है हमारी बच्ची को अकेला न छोड़ देना, हमारी यतीमा को तनहा न छोड़ देना, कभी कभी आके उसकी कब्र पे एक शमा रोशन कर देना। शाम की औरतें वापस हो गई, काफिला आगे बढ़ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां 2 रास्ता था, एक सीधा करबला मदीने जाता था और एक वाया करबला जाता था। इमाम फरमाते हैं वकुलना लिद्दलील मुर्र बिना अला तरीक करबला, हमने अपने रहनुमा से कहा कि हमको करबला की तरफ से ले चल। अब यह काफिला करबला जा रहा है। बस 2 जुमले। गुजरात में एक शहर है, 4-5 दिन का प्रोग्राम करते हैं, 22 से 25 सफ़र का, पिछले साल भी गए तो 24 या 25 को कुछ लोग आए मिलने। हुजूर माफ़ कीजिएगा, 2 मजलिसें आपकी छूट गई, मैं कहाँ गए थे? कहले करबला गए थे। हमने कहा मौला कबूल करें ज़ियारत आपकी, ज़ियारत के लिए? कहा नहीं, ज़ियारत के लिए नहीं गए थे, ज़ियारत भी की है, वो ज़ियारत ज़िमनन हुई है, क्योंकि गए थे तो ज़ियारत भी कर ली, ज़ियारत के लिए नहीं गए थे। कहा तब? कहा हम लोगों ने मौकिब बनाया हमारी अंजुमन ने, हम पूरी अंजुमन हर साल जाते हैं ज़ाहिरों की खिदमत के लिए।
या हुसैन या हुसैन। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, कुवैत, हाँ अमेरिका, लंदन, यूरोप, दुनिया जहान से लोग आते हैं। कितने उसमें ऐसे हैं कि जिनका मकसद जायरों की खिदमत है। आज 1400 साल के बाद अब तो सोशल मीडिया का ज़माना देख रहे हैं ना, कोई अमामा लगा करके रोटी पका रहा है, कोई पगड़ी बांध करके जायर का जूता पॉलिश कर रहा है, कहीं इतनी बड़ी बच्ची है जिससे कुछ नहीं उठ सकता तो कागजी रुमाल लिए टहल रही है जायर का। तड़पने का मकाम है कि नहीं? आज 1400 साल के बाद हुसैन के जायर जाए तो उनका ऐसा इस्तकबाल हो, उनकी ऐसी खिदमत हो। अरे हुसैन का बेटा आ रहा, हुसैन की सगी बहन आ रही है, रुबाब आ रही है, कोई इस्तकबाल करने वाला है, कोई खिदमत करने वाला है? नहीं, खुदा ने इंतजाम किया है। बुजुर्ग सहाबी पैगंबर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपने गुलाम के साथ आए, कूफे में रुके, कूफे से नजफ आए, फुरात में गुस्ल वसुल किया, आए इमाम अलैहिस्सलाम की जियारत में मशगूल है। वक्त नहीं है कि मैं जाबिर वाली बात कहूँ, आगे चलता हूँ। जियारत में मशगूल थे कि अचानक कानों में कुछ आवाज़ महसूस हुई। गुलाम को भेजा, देख कैसा शोर है, अगर इब्ने ज़ियाद का लश्कर हो कहीं अपने आप को छुपा लें, और अगर तूने ये खबर दे दी कि मेरा मौला छूट के आ रहा है तो मैं तुझको आज़ाद कर दूंगा। गुलाम पलट के आया, कहता जाबिर ये इमाम सज्जाद हैं जो अपने बहनों और माओं के साथ चले आ रहे हैं, बेटियों के साथ। जाबिर ने कहा कोई नहीं है, गुलाम से कहा मुझको ले चल, रास्ते में खड़ा कर दे, कम से कम मैं अपने मौला का इस्तकबाल कर लूँ। अल्लाह न करे परदेश में किसी पर कोई आफत आ जाए, आदमी पर मुसीबत आती है, बर्दाश्त करता है, झेलता है, लेकिन वक्त जैसे गुजरता है भूल जाता है ना, हल्का हो जाता है। लेकिन चाहे जितना वक्त गुजर गया हो, जैसे ही आदमी को कोई अपना दिख जाता है सारा मंजर याद आ जाता है ना। जैसे ही इमाम सज्जाद ने मिला जाबिर को देखा, एक एक चीज़ याद आने लगी। तड़प के जाबिर का हाथ पकड़ा, फरमाया जाबिर आओ बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। जाबिर हाँ होना कुतलत रिजाल होना, यहाँ हमारे मर्दों को कत्ल किया गया, हाँ होना ज़बहत अतफाल होना, यहाँ हमारे बच्चों को ज़बह किया गया, हाँ होना हुर्रकत खियाम होना। जाबिर यहाँ हमारे खैमे थे जला दिए गए, हाँ होना सुबियत नसा होना। जाबिर यहाँ हमारी औरतों को असीर किया गया। एक आप बस ख़त्म कर दी, मैंने इंसाफ से बताइए, इमाम है ना, मर्द हैं, उनको एक एक चीज़ याद आ रही है, तो ज़ैनब को क्या ना याद आया होगा, रुबाब को क्या ना याद आया होगा। सुनाऊंगा आपको आखिरी बात। आज काफिला जाता है करबला ना, मशहद 4 दिन, नजफ 4 दिन, सामर्रा 1 दिन, काजमैन 2 दिन, सबसे ज़्यादा कहाँ रुकता है ज़ाहिर, करबला में। ज़ैनब कई दिन रुकी करबला में, रुबाब कई दिन रुकी करबला में, मालूम है 20 सफ़र को पहुँची हैं चेहलुम के दिन। अमेरिका में लमी कही है, जहालत कही है, नहीं मालूम, दोपहर को पहुँची हैं, दोपहर के बाद पहुँची हैं, 4 बजे 5 बजे 20 को पहुँची हैं, 21 का पूरा दिन रही हैं। 22 को इमाम ने कहा सब काफिला रुक चलेगा वापस मदीने। मौला आज हम लोग जाते हैं 10-10 दिन रहते हैं, मौला रुबाब 2 दिन, ज़ैनब 2 दिन, मौला ये क्या कर रहे हैं। अजब नहीं आका जवाब दे, देख नहीं रहे हो इन बीवियों की हालत क्या है। बताऊँ आपको, इन बीवियों का आलम यह था कि ये बार बार कब्र इमाम पर आती थी, चीखती थी, बेहोश होके गिर पड़ती थी। इमाम जवाब देंगे अगर इनको यहाँ रहने दें तो ये रोते रोते मर जाए।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سعید فاطمہ بنت حسن میاں مرحوم کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام